जी हाँ दोस्तों, पीपी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर नई अपडेट आई है। विभाग से सीधा मैसेज आया है कि आप अब की बार बुढ़ापा विधवा विकलांग पेंशन थोड़ी लेट आएगी। दोस्तों पिछले दिसंबर महीने की और जनवरी महीने की पेंशन सरकार द्वारा लगभग 10 दिन लेट डाली थी, क्योंकि सरकार द्वारा सभी पेंशन फैमिली आईडी से जोड़ा गया था। फरवरी माह की पेंशन 7 मार्च को डाल दी गई थी। अब बात करते हैं मार्च महीने की पेंशन कब तक आएगी। दोस्तों विभाग से मैसेज आया है कि अब की बार मार्च महीने की पेंशन थोड़ी लेट जारी होगी। अभी तक सरकार द्वारा पेंशन का बजट जारी नहीं किया गया है, इसलिए अब की बार मार्च महीने की पेंशन लेट जारी होगी। विभाग ने कहा है कि मार्च महीने की पेंशन 20 तारीख के बाद डालनी शुरू की जाएगी। दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों की पेंशन 20 तारीख के बाद डालनी शुरू की जाएगी। आपको बता दिया जाए दोस्तों, जिसने भी हमारे चैनल लेटी न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आप सभी तक हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और हम आप लोगों को एक से बढ़ के एक लेटेस्ट हरियाणा की न्यूज़ देते रहें। दोस्तों हरियाणा में लगातार बुढ़ापा पेंशन से संबंधित नई नई अपडेट आती रहती हैं और वो हम आप लोगों को बताते रहेंगे। धन्यवाद।